देखिए मैं पहले परिचय करा दूं सबका ताकि आपको सवाल पूछने में आसानी हो जाएगी। मैं इस फिल्म का डायरेक्टर और राइटर हूं। मेरे गुरुजी की प्रेरणा से डॉक्टर रामेंद्र चक्रवर्ती जी हैं, इन्होंने इस फिल्म में बहुत अहम किरदार निभाया भी है, कास्टिंग डायरेक्टर भी हैं, क्रिएटिव डायरेक्टर भी हैं, ऑल इन वन है। ये हमारी फिल्म की नायिका हैं आरती यादव, ये मेरी फिल्म के हीरो हैं हेरम त्रिपाठी, रौनक पढ़ाई वाला है वो, उसने बहुत दमदार किरदार किया है। और आपने इस पूरी फैमिली, जो हमारी फिल्म है गजनबी की फैमिली का मेन लीड किरदार आपने किया है, आपका नाम है श्री दीपक सुधा जी, और हमारे साथ गेस्ट अपीयरेंस में मनीष चौधरी जी हैं गुड़गांव से। अब आप किससे सवाल करना चाहें बताएं। सर सबसे पहले एज अ कैप्टन ऑफ द शिप क्या कहना चाहेंगे, किस तरह की फिल्म होगी? मेरे ख्याल से गजनबी जो फिल्म आज मेरी इस पूरे देश में रिलीज हुई है, ये एक अलग तरह की फिल्म है। और इस फिल्म में अगर कोई USP की जैसे आप बात कर रहे हैं कि USP क्या होगी, तो मुझे लगता है इस फिल्म का कंटेंट ही सबसे बड़ा इसकी USP है। जो दर्शक कंटेंट देखना चाहते हैं, जो अच्छा सब्जेक्ट देखना चाहते हैं, जो नया सब्जेक्ट देखना चाहते हैं, मेरे ख्याल से उनके लिए बहुत बड़ा मसाला होगा और उनको लगेगा कि उन्होंने जो सोचा था उससे आगे उनको कुछ मिला इस फिल्म में। और स्टारकास्ट के बारे में क्या कहना चाहेंगे, एज अ डायरेक्टर कैसा एक्सपीरियंस था आपका काम करने का? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, और चूंकि हम लोग काफ़ी सालों से एक दूसरे को जानते भी थे, उसके बाद भी हम लोगों ने जो ऑन स्क्रीन जब स्क्रीन शेयर किया, तो बहुत सारी चीज़ें होती ना आपस में कि मिक्सअप होने का एक दो दिन का टाइम लगता है, एक दो दिन के अंदर ही हम लोगों ने इतना अच्छा बॉन्डिंग की अपनी, और एक अच्छे पर्टिकुलर जगह में, अच्छे लोकेशन पे हम लोगों ने फिल्म को शूट किया। और ये मुझे पहली बार ऐसा लगा, मेरी 17वीं फिल्म है, लेकिन मुझे पहली बार ऐसा लगा कि मैं फिल्म नहीं बना रहा हूँ जबकि अपने फैमिली के साथ हूँ। मतलब एक डायरेक्टर जो कूल माइंड होकर के सिर्फ अपने काम पर जो फोकस करेगा, उस तरीके से मैंने फिल्म को बनाया है। मेरे पर एक्स्ट्रा कोई बर्डन नहीं आया, क्योंकि सारे आर्टिस्ट मेरे साथ, जो स्टार कास्ट थी, बहुत कोऑपरेटिव थी और उन्होंने मेरे साथ बहुत ही दिल से काम किया। एक्टर्स के बारे एक्टर्स से जानना चाहूँगा कि आप लोगों का एक्सपीरियंस कैसा रहा, और फाइनली अब रिलीज़ हो गई है फिल्म, कैसा रिस्पांस मिल रहा है, क्या कॉम्प्लीमेंट मिल रहा है? सच बताऊँ तो रिस्पांस उम्मीद से भी बेटर है, और रहा सर के साथ काम करने का, तो हम जान पहचान हमारा बहुत पहले से था, लेकिन इस फिल्म के ज़रिए मुझे पता चला कि जितने अच्छे ये दिखते हैं उससे अच्छे एक टेक्नीशियन है, डायरेक्टर है और राइटर है, जिन्होंने इस तरह से फिल्म। सबसे बड़ी बात, जब एक डायरेक्टर के ऊपर इतना ज़्यादा प्रेशर, खुद राइटर हो, खुद प्रोड्यूसर हो और डायरेक्टर हो, इतना प्रेशर के बावजूद कभी मतलब पता ही नहीं चला कि ये हम सेट पे हैं, हम काम कर रहे हैं, फैमिली की तरह काम हुआ, इन्जॉय, मज़ा आया। मतलब मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा सर के साथ काम करके। मुझे तो पहले लगा कि थोड़े स्ट्रिक्ट होंगे, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने उस माहौल में खुल के हम लोग को एकदम फ्री कर दिया था, और उस फ्री के अकॉर्डिंग हमने कितना अच्छा काम किया, अभी तो देखने के बाद पता चलेगा कैसा काम किया। लेकिन जितनी चीज़ें थी एज एन एक्ट्रेस हमें निकालना चाहिए, सर ने बहुत सपोर्ट किया और हमें निकालना, देखते हैं क्या होता है। मैं एक्चुअली इस पूरी फिल्म में मैं एज द हेड ऑफ द फैमिली भी रहा, और मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे डायरेक्टर सनोज मिश्रा जी ये बहुत कूल माइंडेड, कभी कभी भड़क भी जाते हैं तो दो मिनट बाद इनका गुस्सा जो है बिल्कुल पारे की तरफ पिघल जाता है, और ये टीम को एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड में रखते हैं, और टीम से जो बेस्ट निकलवा सकते हूँ ये इनकी कैपेसिटी है और इनकी कैपेबिलिटी है, और मैं भविष्य में भी इनसे हमेशा हमेशा के लिए जुड़ना चाहूँगा। सर आप क्या कहना चाहेंगे किरदार के बारे में? मैं तो शुभकामनाएं करता हूँ, मैं तो दोस्त हूँ इनका, सनोज मिश्रा जी का, आगे हम यूरोप में शूटिंग करने वाले हैं जी, मैं इनके साथ जुड़ा हूँ इसी लाइन में डायरेक्शन। गुरु जी के बारे में पूछे, बेसिकली मैं ये कहना चाहता हूँ कि इंडस्ट्री में भी आप लोगों ने देखा कि रीमेक पर रीमेक हुआ जा रहा है, लोगों के पास कहानियाँ ही नहीं है, लेकिन एक सरोज मिश्रा जी थे जिन्होंने कहा कि नहीं, कहानियाँ तो हम लोगों के पास है, लोग उनकी तरफ देखते ही नहीं है। हर इंसान में एक कहानी है, अगर उसको पर्दे पर लाया जाए तो लोगों को पता चलेगा कि जो भारत देश है ये इसके अंदर इसका इतिहास ही कहानियों से बना हुआ है। जैसे कि हमारे देश में क्या नहीं है, अभी एक पठान आई थी, बस वो चली, बाकी अभी आप लोगों ने देखा कि सेल्फी, वो भी रिमेक, उससे पहले आपने देखा फिर रिमेक पर रिमेक, लेकिन एक सनोज मिश्रा जी हैं जो ओरिजिनल कंटेंट पर काम करते हैं, वो उन विषयों को चुनते हैं जिनको समाज ने दरकिनार कर दिया है या इतिहास के पन्नों पर वो कहीं ना कहीं गुम हो गए हैं, वो त्रासदियों को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं जिससे कि आम जनता को पता चले
कि हमारे देश के इतिहास के पन्नों पर क्या क्या हुआ है और किस प्रकार से हमारे देश के उन नायकों को रक्त रंजित कर दिया गया है और फिर वो इतिहास के पन्नों पर खो गए। खास करके इस फिल्म में काम करने के दौरान ये पता चला कि सिनेमा क्या होता है। एक प्रकार से मैं कह सकता हूँ कि सरोज मिश्रा अपने आप में खुद एक सिनेमा है, क्योंकि जिस प्रकार से इन्होंने सिनेमा की शुरुआत की, जहाँ से चल करके आए, एक आदमी है जो रायबरेली से चलता है, सोचता है कि मैं भी अमिताभ बच्चन हूँ, तो इन्होंने अपने आप को प्रूव किया, ना कि किसी के बदौलत, ना कि किसी के कंधों पर, ना कि किसी का सहारा लिया, बल्कि अपने दम पर, अपनी सोच से उन्होंने एक नए सिनेमा की परिभाषा गढ़ी है। इनकी सिनेमा का सबसे खास बात यह है कि उसका जो शिल्प है वो बहुत ही मज़ेदार है। आप जब सिनेमा को देखेंगे तो एहसास करेंगे कि आप खुद पर्दे पर हैं, वो आपका एक जुड़ाव महसूस होगा, आपको लगेगा यार ये हमारे बीच का ही तो किरदार है, कहीं मैं तो ही नहीं हूँ। तो आज की तारीख में जब आप देखते हैं कि बॉलीवुड का जो सिनेमा आप देख रहे हैं, उसके किरदार कहीं ना कहीं इस समाज से मिस हो चुके हैं, वो कहीं से उठा कर ले आ रहे हैं, पाश्चात्य सिनेमा का लोग कॉपी कर रहे हैं, लेकिन जो भारत की जो कहानियां हैं, जो हमारे देश की कहानियां हैं, उनको लोग कहीं ना कहीं एक दरकिनार कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी जो सोच है, उस सोच पर जो ये पाश्चात्य संस्कृति है, उसका एक प्रभाव पड़ा हुआ है। लेकिन जब आपका देश, जब कहते हो कि मेरा देश महान है, तो आपके देश महान है तो उस पर गर्व कैसे करोगे? जब तक आप अपने बच्चों को, आने वाली पीढ़ी को बताओगे नहीं कि हमारा इतिहास है जिसमें आप सांसें लेते हैं, जिसमें आप जीते हैं, वही तो आपका इतिहास है, लोगों तक पहुंचना चाहिए। तो सरोज मिश्रा जो एक हमारे फिल्म के डायरेक्टर हैं, निर्माता हैं और लेखक हैं, मतलब एक कह सकते हैं कि सब कुछ यही है, सर्वत्र है, हम सब उस नाव पर बैठे हुए हैं जिसकी कमान सरोज मिश्रा के हाथों पर। थैंक यू सो मच। मुझे अभी तक, जहाँ तक जो पहला शो चला है, वहाँ से अभी इंटरवल के बाद मुझे बहुत सारे फ़ोन आए हैं। फ़ोन इतने ज़्यादा आ गए क्योंकि CPCI सर्किट में जो फिल्म का जो उठान हुआ है, उसमें मुझे बहुत सारा लोगों का अच्छा रिस्पांस मिला और मैं इतना शॉक्ड हो गया, मैं खुद नहीं सोच पा रहा हूँ कि ये इतना अच्छा कैसे हो गया। मतलब मैं चूँकि मैं हमेशा अपनी चीज़ों को अंडर एस्टिमेट करता हूँ, लोग मुझे इस बारे में बुरा बोलते हैं कि आप अपने आप को अंडर एस्टिमेट मत करो, लेकिन मुझे लगता है कि मैं करता हूँ और मुझे लगा कि मेरी फिल्म शायद पता नहीं क्या हो क्या ना हो, बहुत सारी चीज़ें 4-5 दिन से दिमाग में चल रही थी। लेकिन दोपहर में जिस तरह से रिस्पांस आना शुरू हुआ है, जिस तरह से लोगों के 12 बजे के शो के बाद जो मुझे लोगों के कॉल्स आए और जो पब्लिक जिस तरह से लोग जा रही है एक दूसरे से, जो पब्लिक माउथ पब्लिसिटी हो रही है, तो मुझे लग रहा है कि मैंने जो सोचा था शायद मैं उससे कहीं आगे हूँ। और सब मीडिया भाइयों का, मेरे कलाकारों का, मेरे गुरुजी का, मेरे बड़े भाई का, मेरे बड़े भैया चौधरी जी का, सबका बहुत बहुत आशीर्वाद है मेरे ऊपर। और आज मैं एक पहले एग्ज़ाम जो मैंने दिया है, फर्स्ट एग्ज़ाम बतौर एज ए प्रोड्यूसर, तो मुझे लग रहा है कि मैं विन करने जा रहा हूँ, मैं लीड करने जा रहा हूँ, क्योंकि हमारी फिल्म बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है और थिएटर में इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है, हर सिनेमा मालिक इस फिल्म को लगाना चाह रहा है, यही मेरी जीत है। थैंक यू। यस यस, थैंक यू सो मच। मूवी एक्चुअली बहुत अच्छा है, थ्रिलर है, सस्पेंस है, ड्रामा भी है, बहुत अच्छी मूवी थी। अभी तो मैं फुल नहीं देखा हूँ, बहुत अच्छी मूवी है, फिल्म बहुत अच्छा बना है, इसलिए मेरा कुछ ना कुछ कटिंग हुआ है मूवी में, फिर भी बहुत अच्छा मूवी है। फिल्म फेबुलस है, बहुत अच्छा लगा, और जो डायरेक्टर साहब ने जो सस्पेंस रखा है मूवी में वो बहुत अच्छा है, हर सीन को अच्छी तरह से दिखाया गया है ताकि आदमी को देखने में मज़ा आए। इंटरवल के बाद तो और बहुत ही अच्छा लग रहा है, जैसे कि मतलब हीरो के याददाश्त आने के बाद फिल्म और मतलब क्रेजी हो रहा है और मज़ा आ रहा है। अभी इसका लगता है सेकेंड पार्ट भी डायरेक्टर साहब ने रखा हुआ है, तो फिल्म इज़ द वेरी बेस्ट। फिल्म बहुत अच्छी बनी है, लोगों का जो है बहुत अच्छा लगा, सस्पेंस भी है। मेरा नाम राज सिंह है, बहुत अच्छा फिल्म बना है, मैं इसमें एक एक्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर के पद पे काम किया हूँ और लोगों को भी जो भी चीज़ है जहाँ भी मैनेज करना हो मैंने किया है। बहुत अच्छी मूवी है वो, और बहुत अच्छा लगा मूवी। इंटरवल के बाद तो और भी मज़ा आ जाता है। डायरेक्टर साहब का, डायरेक्टर साहब का बहुत अच्छा काम है। सोनू जी के साथ मैंने 8-10 पिक्चर पहले भी मैंने किया, भोजपुरी से लेकर हिंदी, गांधीगिरी, जो भी मूवी मैंने उनके साथ कंटिन्यू मैंने पिक्चर किया। ये लास्ट मूवी थे अभी जो हमने गजनवी किया, उनके साथ जो भी पिक्चर बनते मैं कंटिन्यू उसके साथ काम करता हूँ। गजनवी मुझे देख के मुझे बहुत अच्छा लगा है मूवी, और एक्शन भी अच्छा है, साहू मास्टर जी एक्शन किए बहुत काफ़ी अच्छा किए,
और जो पागलपंती उनको साइको बनाना ये करना जो फिल्म में जो होता है कॉमेडी रोमांस थोड़ा बहुत अच्छा लगा मुझे देख के। और हमारे राज सिंह जी है प्रोड्यूसर, काफ़ी मूवी इनके साथ में भी काम किया और इसमें भी कॉन्स्टेबल के मुझे छोटा सा रोल है, तभी मुझे राज जी आज बुलाए तो मैं आया हूँ। मूवी बहुत अच्छा लगा देख के, थैंक यू सर। ये मैं कहूँ तो फिल्म बहुत अच्छी लगी और ख़ासकर ये मुझे स्टोरी इनकी यूनिक लगी। जो बोला जाए सस्पेंस कि एक हीरो का किरदार ये समझ में नहीं आ रहा था कि वो खुद ऐसा एक्टिंग कर रहे हैं कि मतलब कि ये पिक्चर में खुद ड्रामा कर रहे हैं कि उनके साथ रियल में हुआ। और स्टोरी भी मुझे बहुत अच्छी लगी। मैं तो सोचता हूँ कि इसका सेकंड पार्ट मार्केट में आना चाहिए, दोबारा बननी चाहिए मूवी का सेकंड पार्ट। राजवीर सिंह के एक्टिंग के बारे में क्या कहेंगे जो हमारे मेन लीड हैं? तो काफ़ी उन्होंने इस फिल्म के लिए मेहनत किया, उनकी एक्टिंग मुझे बहुत काफ़ी अच्छी लगी। पैसा वसूल पिक्चर है सर जी? पैसा वसूल फिल्म है? हाँ, मैं तो ये बोल सकता हूँ कि रिकवरी है मूवी जो रिकवर कर सकते हैं मार्केट में। फिल्म मुझे ठीक लगी, सिर्फ ठीक लगी इसलिए क्योंकि न्यू कमर्स है, न्यू एक्टर है एंड न्यू सब कुछ था, न्यू प्रोडक्शन था जस्ट समथिंग, तो जो भी काम किया मिल गया फर्स्ट टाइम वो अच्छा निकला। लेकिन एज ए बहुत अच्छा लेवल का बताया जाए कि ये उस लेवल को टक्कर दे पाए तो उसमें VFX जो थे, जैसे कुछ VFX ऐसे थे बंदूक मारी जा रही है वहाँ दिखाई भी नहीं जा रही है, कुल्हाड़ी मारी जा रही है, सिर्फ कुल्हाड़ी लग के आ रही है बंदे को, कोई मतलब कुछ सीन्स मिस्टेक्स लगे मुझे अपनी तरफ से। अच्छा, बेसिक मिस्टेक्स लगे? हाँ जी, मेरे को लगे। एक्शन किस लगे सर था? फिल्म का एक्शन ठीक था, सही था। अच्छा, और बाकी जो और कुछ भी नहीं कहना चाहता, अच्छी थी मूवी, बहुत अच्छी थी, स्टार्टअप के लिए बहुत बेटर चीज है। और मेरा अंदर मेरा भाई है, एक दोस्त है, उनका पुलिस वालों का रोल था, उनका पूरा रोल कट कर दिया, वो हमें मूवी दिखाने के लिए लेके आए थे यार, ये भी कुछ गलत बात मुझे लगी। तो बस बाकी ऑल द बेस्ट। पाँच में से मैं इसको रैंकिंग दूंगा सर 3। एक नंबर का मूवी था और इसमें थ्रिलर और ड्रामा सस्पेंस सब कुछ है, आप लोग आइए देखिए। और इसमें मेरा पुलिस कॉन्स्टेबल का रोल है, बहुत अच्छा मूवी थी। और ये फैमिली ड्रामा है जो अपने बच्चे के साथ आके देख सकते हैं और हॉरर टाइप में। सनोज का डायरेक्शन कैसे लगा आपको? सनोज मिश्रा तो एक बड़े डायरेक्टर हैं, बड़ी बड़ी मूवी कर चुके हैं, तो अच्छी डायरेक्शन थी। आइए सभी लोग देखिए। पिछली कहानी कैसी लगी सर आपको? कहानी मतलब फैमिली ड्रामा है, थ्रिलर है और सस्पेंस है, तो कहानी एक्चुअली अच्छा है। थोड़ा DI में थोड़ा प्रॉब्लम था बट ओवरऑल अच्छा है। ऐसा वसूल है या ठीक है? मीडियम बजट का है तो फिर भी अच्छा है। जी जी जी। रेटिंग क्या रहेगी आपकी 5 में से? रीडिंग तो अभी तो बहुत एक पे एक मूवी आ रही है, हॉलीवुड टाइप में भी आ रही है, तो फिर भी 5 में 4 स्टार। हमें तो फिल्म बहुत अच्छी लगी, बहुत ज़्यादा ही कुछ। और फिल्म में क्या खास लगा आपने जो फिल्म देखा, क्या कुछ सीन अच्छे लगे, किसी का परफॉर्मेंस अच्छा लगा, क्या अच्छा लगा आपको? हमें इनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा लगा। पैसा